हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लोअर इस तरह से छोटा कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में इसको हम निशान लगा के कट कर लेंगे। जितना हमें चाहिए उतनी हम लंबाई रखेंगे उस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि एक साथ ही कटे दोनों, तो बिल्कुल बराबर रहे इस तरीके से। ये 40 इंच तैयार है, तो फिर हमें इस पे 36.5 इंच तैयार चाहिए। तो हम इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे, 1.5 इंच फ्रंट, तो ये हमारा आ जाएगा 38 इंच। तो हमें 38 इंच पर निशान लगा के इसको ऐसे कट कर लेना है। मैं निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फिर हमें इस तरीके से ऐसे 38 इंच पे से निशान लगा लेना है, ऐसे इधर और इस तरफ भी। उसके बाद में हमें इसको निशान लगा लेना है, उसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। तो फिर हमने इसको निशान लगा लिया, हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसको बताते हैं कि इस पर किस तरह से सिलाई लगाएंगे। वैसे इस पर खाली ऐसे सिलाई लगा देते हैं तो ये कपड़ा खराब जाता है, यहाँ से ऐसे छिरने लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ तरीका कि इस पर किस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिर आप ऐसे एक पेज ले लेना और इसको इस तरह से कट कर लेना, जितना आपको चाहिए इस तरह से कट कर लेना। ऐसे लाइन वाइज काट कट कर लोगे तो और ज्यादा सही रहेगा, जैसे ऐसे लाइन बनी हुई है। तो इस तरह से रख के चलाने में ज्यादा सफाई आएगी, और अगर आपसे नहीं होता है उस पर नहीं चल सकता तो चौड़ा भी काट सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि पतला ही काटें, आप अपने मुताबिक काट सकते हैं इसको। रुक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से ले लेना है। पेंट लोअर को, लोअर हो या पॉइंट हो, जो भी आपके पास हो, इस तरीके से रखना है। और आपको यहाँ से इस वाले लाइन से करना है, नीचे वाले से इस तरह से कर लेना है, और इसको ऐसे फोल्ड करना। उसके बाद दोबारा ऐसे फोल्ड कर लेना है, और पहले इसको यहाँ मशीन में एक बार दबा लेना है सुई के नीचे इस तरह से। देखिए, एक बार इसे दबा लो, उसके बाद में पेज को यहाँ पे रखना है इस तरह से, ताकि ऐसे रखना है कि जब भी मशीन चलाएं तो आपका ये सुई पेज के ऊपर ही आए, ये जो कट के हम उसके नीचे लगा रखे हैं काट करके इस तरीके से। और इसको ऐसे बराबर, इसी के बराबर लाओगे तो दिखेगा भी कि हाँ आपकी सिलाई कहाँ जा रही है। और आप सुई को थोड़ा बड़ा करके ही चलाना। इस तरीके से देखिए, फिर ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसको इसके बराबर रखना है और इस तरीके से चला लो। तो ये क्या होगा, ये कपड़ा कटेगा नहीं। अगर वैसे चलाते हैं तो कपड़े को, सुई कपड़े को काट देती है ये, क्योंकि ये कपड़ा अलग होता है तो ये हर मशीन पे नहीं चल पाता है। तो हम इसको इस तरीके से सिलते हैं जब हमें सिलना होता है। तो आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा हो, चाहे लोअर हो या फिर टी शर्ट हो या कोई भी इस तरीके का कपड़ा, इसी तरीके से ऐसे। अब ये खत्म होने वाला था, मैंने इसके नीचे दूसरा रख दिया।
इस तरीके से, और थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये इस तरीके का कपड़ा है तो ये मोटा जब कहीं पाता है तो ये चल नहीं पाता है, थोड़ा मोटे पे यहाँ हाथ करके मशीन को रोक के चला सकते हो। जब यहाँ मोटा पड़ रहा है जॉइंट है तो यहाँ मशीन नहीं आगे बढ़ रही, तो इसको हल्का से खसका दे तो चला देगा, फिर चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से अच्छे से सिलाई लग जा रही है, और हमें दूसरे वाले के साथ भी ऐसे ही कर लेना है। मैं करके आपको दिखाती हूँ तरीके से, ऐसे आप भी ऐसे ही कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पर ही सिलाई लगा लिया है, और अब क्या करेंगे इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, कागज पेज को जो हमने लगाया था ऐसे, ताकि अच्छे से फ्रेश हो जाए। और इसको लगाने से देखो ये इतनी अच्छे से सिलाई आई हुई है, देख सकते हैं आप। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके से आप भी कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों का ये जो कागज़ इसमें लगा हुआ था निकाल दिया है, ये हल्का हल्का लगा हुआ है तो धुलने पे निकल जाएगा, जो दबा था ज़्यादा ये नहीं निकल पा रहा है तो ये धुलने पे छूट जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताएँ, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।